हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बच्चों अच्छी चल रही होगी। तो देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, और आज मैं बताने वाला हूं आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कि आप किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये भी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ से हो चाहे वो बेसिक स्ट्रेंथ से हो। तो चलिए, मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर शिवम गुप्ता। तो लेट वी स्टार्ट बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करने से पहले मैं फिर से आपको तीन थ्योरीज के बारे में बताना चाहूंगा। बेस किस तरीके से काम करते हैं आपके बेटा, तीन थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, बेस आपका किस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, तो ये किस तरीके, कौन सी थ्योरी हुई आपके बेटा, लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग हो गया ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। या फिर आपका बेस क्या होगा बेटा, एच पॉजिटिव एक्सेप्टर होगा, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर को बोल सकते हैं हम। किस तरीके से बेस की तरीके से, ये हुआ आपका ब्रॉनस्टेड के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिए इसी को यूज करते हैं हम मोस्टली। और थर्ड होता है आपका अरेनियस के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर डिजोल्व करने के बाद वो क्या प्रोवाइड करे बेटा आपको, OH- माइनस प्रोवाइड करे एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये हुआ आपका अरिनियस के थ्योरी के अकॉर्डिंग। अरिनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या प्रोवाइड करना चाहिए बेटा आपको, OH- माइनस प्रोवाइड करना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं कुछ रूल्स की कि किस तरीके से आप बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तो देखिए बच्चों, कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, ये थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ से टफ होता है, जस्ट बिकॉज कि आपको इसमें अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है, इसीलिए। तो ढंग से समझते चलिएगा, मार्क माय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरीके से कंपेयर कर रहा हूं उसको समझिएगा। तो चलिए, बेस के लिए बेस आपका जो दे रखा है इस पर आप एच पॉजिटिव अटैच करा दीजिए। यही काम करते हैं हम, पहले भी एसिड में हमने क्या किया था, एच पॉजिटिव को रिमूव किया था, बेस में मैं एच पॉजिटिव को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो बेस एच पॉजिटिव एक्सेप्टर होते हैं, तो इसने अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसके पास किस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड, ये बेस है आपका, तो ये क्या कहलाएगा आपका, कॉन्जुगेट एसिड। जैसे आप पता होगा आपको कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है, ऐसे ही बेस को अगर एच पॉजिटिव प्रोवाइड करोगे तो क्या बनेगा बेटा आपका, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। क्लियर है? ठीक है। तो मुझे याद है कि भैया के बी की बात की थी मैंने, के बी की, वहां पर मैंने के ए की बात की थी, यहां पर मैं के बी की बात करूंगा। के बी यानी कि आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर बेस, सही है। तो वो अगर आगे की तरफ जाना चाहिए तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए भाई। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही एच पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, के बी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा बेस की बेसिक स्ट्रेंथ होगी। बट ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, कॉन्जुगेट एसिड से चेक कर पाओ ये हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं हो पाता है, जस्ट बिकॉज कुछ कंफ्यूजन आने लगती है बच्चों को। तो हम सिर्फ फैक्टर्स के थ्रू भी काम करेंगे, किसी में रिक्वायरमेंट होगी तो हम कॉन्जुगेट बेस को चेक करने वाले हैं। तो चलिए पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट होता है इसमें, पहला पॉइंट तो यही है आपका, एक्सेप्ट द एच पॉजिटिव एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो चलिए लिख देता हूं मैं फिर भी, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एकदम बॉम्ब की तरह है, ये जहां भी लगाओगे वहां काम कर रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट किस तरीके से है कि हम चेक करेंगे, कंपेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि पता ही नहीं चलता, अवेलेबिलिटी का मतलब लोन पेयर होना जरूरी है या फिर ज्यादा लोन पेयर होना जरूरी है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर किस तरीके से मैंने बात की है, तो चलिए मैं अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा पार्ट बता देता हूं। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है
कि कौन कितना जल्दी दे सकता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बिल्कुल नहीं है बच्चों। क्यों? ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं एज कंपेयर, नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है बेचारा, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन इज मोर बेसिक जस्ट बिकॉज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की क्या होती है, कम होती है। तो ध्यान रखिए अवेलेबिलिटी का मतलब है कि वो कितना जल्दी देने के लिए अवेलेबल है, ये नहीं कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तभी कंपेयर कर पाओगे जब सेम एटम्स पर ही होंगे, नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, तब मैं बोल सकता हूं कि अवेलेबिलिटी में ज्यादा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट आपके इफेक्ट्स को यानी किस तरीके से कंपेयर करते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमने बेसिकली किस पे बात की है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड पर बात की है कि नहीं? हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड पर कैसा चार्ज आ रहा है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो तुम्हें पता है ना, पॉजिटिवली चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स देने वाले ग्रुप होने चाहिए, मतलब जो देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। तो देने वाले ग्रुप कौन से होते हैं आपकी नजर में? भाई प्लस आई होता है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस एम हो सकता है यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ के प्लस एम के साथ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बाकी का प्लस एच हो सकता है, ये यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। सही बात है। चलिए दूसरा बात करें, अगर इसकी की अपोजिट में देखें तो माइनस एम माइनस आई वाले इफेक्ट ग्रुप्स क्या करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, बिल्कुल, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा भैया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब खींचने वाला ग्रुप होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा और वो भड़काएगा, भड़काएगा तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी क्या करेगी? कम करेगी, और तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? उसी तरीके से डिक्रीज होती जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें और भी है पॉइंट्स के लिए, जैसे कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की है हमने तो बेसिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे मैंने यहां बताया था पिछली वीडियो लेक्चर में भी बताया था के के लिए, तो यहां कैसा होगा केबी के लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी होगा, मतलब कि माइनस का लॉग के होता है इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा दिया है। एक पॉइंट और यहां बताना अच्छा करूंगा मैं इस पर कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ध्यान रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर हम कब लगाते हैं? इन अ पीरियड में, एक पीरियड के लिए ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर को मैं थोड़ा सा और क्लियर करके लिख देता हूं यहां पर कि किस तरीके से इसको यूज करने वाला हूं। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है, ये ध्यान रखें। मैं इन अ पीरियड बात करूंगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डोमिनेटिंग ओवर साइज, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पर कैसे डोमिनेट करती है, इन अ पीरियड पर। साइज कब कब डोमिनेट करता है? जब ग्रुप की बात कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो जल्दी देगा नहीं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, इसका मतलब ये है कि भैया एसपी हाइब्रिडाइज में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। क्लियर है? कितने पॉइंट हो गए बेटा? तीन। एक और पॉइंट है इसमें जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है आपका, तो चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट है आपका कौन सा? कि आपका एलिफेटिक एमीन दे रखा है। एलिफेटिक एमीन है एक, या एमाइंस बोलिए, दूसरा एरोमेटिक एमीन्स दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा एलिफेटिक एमीन्स इज ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स आपके ज्यादा बेसिक होते हैं बेटा किससे? एरोमेटिक एमीन से। और एरोमेटिक एमीन्स हमेशा ज्यादा बेसिक होते हैं आपके किससे? एसिड एमाइड से। ये बात ध्यान रखनी है भाई, ये बहुत जरूरी है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन मेंस में बनता है। इस चीज को कंप्लीट कर देता हूं मैं पहले ही, मेंस में बनता ही है तो डायरेक्ट ऑर्डर याद रख सकते हो। कैसे आ रहा है वो भी बता देता हूं। एलिफेटिक एमीन्स की बात की है तो एलिफेटिक एमीन्स क्या होते हैं बेटा आपके? आर एन एच टू, मतलब के लोन पेयर। ये जो ग्रुप है ये ग्रुप कैसा है आपका? एल्काइल ग्रुप है। एरोमेटिक एमीन्स की बात की है तो एरोमेटिक एमीन्स के लिए तो भैया एरो लगेगा, मतलब कि एक लगाइए बेंजीन रिंग, ये आ गया एरो, और एन एच टू लगा दीजिए
यानी कि इसके लोन पेयर तो गए कॉन्जुगेशन में, ये मुझे पता चल गया। कॉन्जुगेशन में गए तो नाइट्रोजन पर अवेलेबिलिटी कम, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये हुआ आपका एरोमेटिक एमीन्स का एग्जांपल। एसिड अमाइड के लिए, एसिड अमाइड के लिए आपका होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, मतलब कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर। इसमें भी यहां पर ये कॉन्जुगेशन, इसका स्ट्रॉन्ग माइनस एम है, माइनस आई है, इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या करती है बेटा, और कम होती जाती है। तो ये चार पॉइंट्स याद रखिएगा, इन चारों पॉइंट्स के थ्रू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड वाला है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, किस तरीके से लोन पेयर अवेलेबल ज्यादा है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, नोट कर लीजिएगा इसको अपनी कॉपी पर, नोट्स के फॉर्म में बना लीजिएगा, या फिर जो भी 12th पास वाले बच्चे हैं वो क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। मींस में बच्चे जनरली क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। आज मैं काफी सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं इस पर बेटा, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इस पर पिक करने वाला हूं, तो आप ध्यान रखें वीडियो को भी इसमें पॉज करके आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे खुद से। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन सेम है, एसिडिक स्ट्रेंथ जैसा क्या आया था वैसा ही है, CH3 पर माइनस चार्ज है, देन NH2 पर माइनस चार्ज है, देन OH पर माइनस चार्ज है और F पर माइनस चार्ज है। तो चलिए बच्चों उसको कंपेयर करिए आप। देखिए किस तरीके से कंपेयर किया आपने और चेक किया आपने, तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। CH3 पर नेगेटिव है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और फ्लोरीन पर नेगेटिव है। क्या ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है? हाँ, ये N=2 सेम पीरियड के एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको, बिल्कुल। बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूं, याद होगा आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इसी पर H लगाकर एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक किया था, याद है? बिल्कुल। तो चलो चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से आने वाला है। यहां पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव का। और ये कैसा है? इसमें कार्बन है, ये किस इन चारों में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पर भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव का। दोनों पे कितना है? एक एक नेगेटिव है। तो बताओ भाई कौन नेगेटिव चार्ज को आराम से होल्ड कर पाएगा? जिस पर नेगेटिविटी, जिसकी नेगेटिविटी क्या है आपकी, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इसकी। तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड अपने पास कौन कर पाएगा? फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम होल्ड कर पाएगा, तो फ्लोरीन एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। मैं इस तरीके से सोच सकता हूं, फ्लोरीन अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी बेटा? कम होगी, बिल्कुल। अगर इस पर डोनेशन टेंडेंसी कम होगी तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी? कम होगी। उसी की कंपैरिजन में इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी बेटा? ज्यादा होती जाएगी, बिल्कुल। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या याद ही होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन आता है। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर का ट्रेंड है, रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होने वाला है हमारा? CH3 नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव और उसके बाद F नेगेटिव। समझ में आया बेटा? देखो बच्चों एक और इसको तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो पहला तरीका बताया था मैंने, अटैच द H पॉजिटिव एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो देखिए मैं इसको H पॉजिटिव से भी अटैच करके दिखा देता हूं। अगर आप इस पर H पॉजिटिव को अटैच कर देंगे तो CH4 बनेगा, इस पर H पॉजिटिव को अटैच कर देंगे तो NH3 बनेगा, इस पर H पॉजिटिव को अटैच कर देंगे तो H2O बनेगा और इस पर H पॉजिटिव को अटैच कर देंगे तो आपका HF बनेगा। आपको याद होगा ये मैंने इसके कॉन्जुगेट एसिड्स बना लिए। देखिए बहुत सिंपल है, या तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर दो या आप बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लो। आप किसी भी एक को कंपेयर कर लीजिए, उसके रिवर्स में आप दूसरे को लगा सकते हैं। चेक करना, मैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर देता हूं। तो मुझे याद है, मुझे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था HF की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये है आपका कैसा? मोस्ट एसिडिक। और ये आपका कैसा है बेटा? लीस्ट एसिडिक है कि नहीं? बिल्कुल, ये लीस्ट एसिडिक है। बोलो मोस्ट एसिडिक से H पॉजिटिव हटाओगे तो क्या बनेगा? F माइनस। ज्यादा एसिडिक का कॉन्जुगेट कैसा होता है? वीक, बिल्कुल। तो ये कैसा होगा आपका? वीक कॉन्जुगेट बेस। और बेस तो कंपेयर किया ना मैंने, अरे भाई बेस ही तो कंपेयर करना है, बिल्कुल। तो मोस्ट एसिडिक का वीक बेस, लीस्ट एसिडिक का स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी में हम,
हटा देते हैं बेटा, मिटा देते हैं इसको हम। सेकेंड एग्जाम्पल है वो भी बहुत ही इजी है, आप इसको कंपेयर करते चलिएगा किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं हम। सेकेंड है आपका एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और ये है आपका लास्ट आई माइनस। चलिए बच्चों इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर हमें दिख रहा है कि भैया एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, इनर ग्रुप की बात की गई है हमसे, तो याद होगा एक ही ग्रुप में सब क्या डोमिनेट करता है, साइज इज डोमिनेटिंग ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान रखें इसको, है ना। अगर ग्रुप की बात की है तो मैंने साइज इज डोमिनेटिंग ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट रखा है, आई माइनस दे रखा है, बी आर माइनस दे रखा है, सी एल माइनस दे रखा है, एफ माइनस। आई माइनस का साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल कहां होगा, यहां पर सबसे ज्यादा होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहां पर कैसा होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, है कि नहीं। बिल्कुल, अगर लीस्ट स्टेबल है तो मैं ये कहूं नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो उसके देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। इसकी इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी कम होगी तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बेटा कैसी होगी, कम होती जाएगी। और इसकी स्टेबिलिटी इन चारों में, देखो लास्ट वाले में इसकी स्टेबिलिटी क्या थी, ज्यादा थी, बट यहां इसकी स्टेबिलिटी क्या आ रही है, कम आ रही है, जस्ट बिकॉज कि मैं साइज का फैक्टर लिया हुआ, ठीक है। लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है तो मतलब ये अपना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा, तो ये किस तरीके से कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा मेरे लिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, ये लीस्ट बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सबसे पहले आ जाएगा एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और देन आई माइनस के होंगे। तो ये इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए एक और नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल लिखिएगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच नेगेटिव, सी एच थ्री सी एच टू और इस पर नेगेटिव। चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं, अभी तीन दे रखे हैं ए बी सी, मान लीजिए इसको कंपेयर कर लेते हैं बेटा। तो चलिए देखिए, ये डोनर एटम है, यहां ये डोनर एटम है, यहां ये डोनर एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर ही दिख रहा है मुझे, तो इसके लिए मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, एसपी आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, एसपी टू आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, एसपी थ्री आएगा। तो देखो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहां पर कितने हैं, 50, यहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितने हैं हमारे पास, 30, कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा सॉरी 33%, और यहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना आएंगे बेटा, 25%। मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी उसकी, उतनी ही ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही एटम जल्दी नहीं देगा, अगर सेम ही पीरियड के एलिमेंट, तो ये तो सेम ही है कार्बन है, तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, सबसे कम होगी। यहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है, कम है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा होने वाली है। तो इसमें ऑर्डर कैसे आ जाएगा बेटा आपका, सबसे लास्ट हो जाएगा सबसे ज्यादा बेसिक और ये हो जाएगा सबसे कम बेसिक, क्लियर है, ध्यान रखिएगा ये ऑर्डर काफी ही इंपॉर्टेंट है। एसपी हाइब्रिडाइज्ड के लिए सबसे कम, फिर उसके बाद एसपी टू, फिर उसके बाद एसपी थ्री की बात की है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। अब थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो कि काम आएंगे कि किस तरीके से अवेलेबिलिटी को आपने चेक किया है, किस तरीके से हम सारे फैक्टर्स को और लगा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, थर्ड एग्जाम्पल हो गया है, थर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ, तो चलिए बात करते हैं फोर्थ की। ये नाइट्रोजन दे रखा है रिंग में, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये आया, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं, ये है आपका पाइरिडीन और ये है आपका पायरोल, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रही है कि किसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाली है, सिंपल सी बात है, मैं अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर को काफी अच्छे से कंपेयर करता हूं, वही चेक कर सकते हैं आप। तो चेक करिए, या तो आप चेक करिए, देखिए मैं बता देता हूं आपको फिर, और या फिर आप वीडियो को पॉज करिए, ध्यान रखिएगा वीडियो को पॉज करें, फिर उसके बाद चेक करें, देन इसके बाद आंसर्स को मैच करें। हम इसमें चेक कर लेते हैं, देखिए बच्चों ये बहुत ही क्यों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो कैसे हैं, लोकलाइज्ड, ये है इसका सबसे मेन काम,
इसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो लोकलाइज है, मतलब डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रेजोनेंस में, जबकि ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बताओ ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जैसे ही पार्टिसिपेट करेंगे तो इस पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, यहां पर अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहां पर तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वो कहीं जा ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी इस केस में क्या होगी, ज्यादा होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या होगी, ज्यादा होगी, यहां अवेलेबिलिटी कम है रेजोनेंस में जाने की वजह से, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, यहां बेसिक स्ट्रेंथ क्या ऐसी हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा, फिर से पायरीडीन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू पायरोल। तो चलिए ये समझ में आया, नेक्स्ट पर एग्जाम्पल लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है आपका, फिफ्थ एग्जाम्पल किस तरीके से है बेटा, अब मैं इस तरीके का क्वेश्चन उठा रहा हूं जिसमें कि दोनों ही एलिफैटिक हैं, देखिए ये रहा, और दूसरा ये है आपके पास दे रखा है, यहां नाइट्रोजन, यहां लोन पेयर, और यहां पर आपका हाइड्रोजन। कंपेयर करिए कि किस तरीके से किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको कुछ और कंफ्यूजन के लिए लोन पेयर दिखा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, तो अब आप कंपेयर करके बताइए बेसिक स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा आने वाली है। तो चलिए बताते हैं, देखिए नाइट्रोजन के पास यहां लोन पेयर है और ये कैसे है, लोकलाइज है, एरोमेटिक है, सिंपल सी बात है, मुझे दिख रहा है यहां पे ये एरोमेटिक है, यहां पर भी नाइट्रोजन के लोन पेयर है और ये एरोमेटिक है, तो दोनों में है, मतलब सॉरी ये दोनों ही एलिफेटिक है, मैंने गलत बोल दिया, एलिफेटिक है, ठीक है, ये एलिफेटिक का काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर है, तो भाई बच्चे क्या करते हैं ना, ज्यादातर ये बोलते हैं भैया ये ज्यादा बेसिक है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर यहां कितने हैं, तीन, बट यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स बेटा हमारे पास कितने हैं, एक, बट मैं तो कुछ और ही देख रहा हूं उसमें। तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ के लिए चेक करने के लिए हम बेसिसिटी किसी एक एटम पर चेक करते हैं, ना कि पूरे कंपाउंड की, कंपाउंड बेसिक ज्यादा है जस्ट बिकॉज कि वो एटम ज्यादा बेसिक शो बिहेवियर कर रहा है, ना कि ये कि भाई इसमें तीन लोन पेयर, तीनों एक साथ तो प्रोवाइड किए नहीं जाएंगे, या तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा या फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये बहुत ही बेसिक है। तो मैं एक एक करके बिठा देता हूं, है ना, एक एक करके बिठा लेते हैं दोनों को, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से बिठा दो तुम, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास, तो हमें पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर बताया मुझे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे होगी, कम, ये तो गया काम से, तो इससे कंपेयर करने का हो गया हमारा काम। अब दूसरा कंपेयर करने किससे आता है, इस नाइट्रोजन का और इस नाइट्रोजन का, तो चलिए इन दोनों नाइट्रोजन में बात कर लेते हैं। अब इन दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन इसका इफेक्ट इफेक्ट लगेगा कौन सा, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा, माइनस आई लगेगा। सोचो यहां पर क्या चीज दे रखी है, यहां पर कार्बन दे रखा है और यहां पर क्या दे रखा है आपको, ऑक्सीजन दे रखा है, ये कार्बन आपका प्लस आई लगाएगा और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ये लोग यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे मेरे लिए, बढ़ाएंगे, बट ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन का कैसा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी इससे, कम होती जाएगी, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज्यादा होती जाएगी, तो किसका अमीनो एसिड सॉरी किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा आने वाली बेटा, ए वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा आने वाली। ध्यान रखिएगा इस चीज को, नंबर ऑफ लोन पेयर से काउंट नहीं करते हैं, किसी भी एटम से भिड़वा दो दोनों आइटम्स को चेक कर लो, अगर ज्यादा दिखती है तो ज्यादा कर देना, वरना चेक करने पड़ेंगे आपको इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, सिक्स्थ एग्जाम्पल, सिक्स एग्जाम्पल आपका कौन सा है बेटा, बिल्कुल ये वाला एग्जाम्पल और अच्छा है हमारे पास, देखिए ये है, अब मिक्स एग्जाम्पल उठाए हैं मैंने, पायरीडीन दे रखा है आपको, पायरोल भी दे रखा है और साइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन वाला ये कंपाउंड भी दे रखा है, कुछ कंपेयर हमने ऊपर किया है, इसके लिए मैं ए लिख देता हूं, इसके लिए मैं यहाँ बी लिख देता हूं और इसके लिए मैं यहाँ पर सी लिख देता हूं, तो कंपेयर करिए इन तीनों को, चलिए स्टार्ट करते हैं, तीनों को किस तरीके से कंपेयर किया है बेटा, यहां पर लोन पेयर कैसे हैं आपके, लोकलाइज्ड हैं, मैं इससे पहले एग्जांपल में बताया आपको, ये लोन पेयर कैसे हैं बेटा आपके, लोकलाइज्ड हैं, ये वाले लोन पेयर आपके कैसे जा रहे हैं, कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं,
तो ये कैसे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तो डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हैं। और ये कैसे हैं, ये भी फिक्स्ड हैं आपके, मतलब ये कहीं पे भी लोकलाइज, सॉरी डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे हैं बेटा आपके, लोकलाइज्ड हैं। क्लियर है, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइजेशन में गए, तो मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम, तो बी वाला सबसे पीछे लगा दो, इसके पहले कौन से आने वाले हैं, तो देखो कैसे काम करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड है, मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा। लेकिन अब मेरी बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि सारे फैक्टर्स तो हमारे पास अलग दिख रहे हैं, मैं इसको चेक करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है बेटा, sp3, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है वहां पर, sp3, और यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या दे रखा है बेटा आपको, sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक किया आपने, जब इसका sp2 है और इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में से किसकी ज्यादा होने वाली है, sp2 वाले की, sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर sp2 की ज्यादा होगी तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अब बताओ तुमने ए और सी में भी कंपेयर कर लिया, सी की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, सी की बेसिक स्ट्रेंथ बी से भी ज्यादा है, तो ऑर्डर आ जाएगा बी देन सॉरी सी देन ए देन पी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलोगे तो बी देन ए देन सी, इस तरीके से फॉर्म में लगा दिया गया है। चलिए ये छठा एग्जांपल हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा और अच्छा है, जो कि मेंस में लास्ट ईयर आया है, किस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर रहा है, चौथे पॉइंट पर बेसिक है वैसे, उसको बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बेंजीन दे रखा है आपको, साथ में ये CH2 और इस पर लगाया मैंने NH2। ग्रुप्स को ध्यान रखिए किस तरीके के आपके ग्रुप दे रखे हैं, दूसरा ग्रुप दे रखा है आपको कुछ इस तरीके से, यहां पर नाइट्रोजन NH और यहां पर pH लगा रखा है इनने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और यहां लगा रखा है बेटा CH3 और ये दे रखा है आपको नाइट्रोजन लोन पेयर हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ सी एच। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए और कंपैरिजन के लिए, मेंस में हमेशा इस टाइप के एग्जांपल्स आते ही हैं, तो मेंस के लिए भी बहुत ही बॉम्ब है मेरी तरफ से, तो नोट सिर्फ बॉम्ब, ध्यान रखें कि बॉम्ब कैसे फटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर कि किस तरीके से कंपेयर कर लेते हैं इसको भी बेटा। कंपेयर के लिए आप देखिए यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर लोन पेयर, तो सब जगह दिख रहा है मुझे। लेकिन अब मैं ये देखूं कि लोन पेयर कितने अवेलेबल है, तो अब बात करते हैं कि कौन सा वाला एरोमेटिक है, कौन सा वाला एलिफेटिक एरोमेटिक वाला टाइप है, मतलब एलिफेटिक है, और दूसरा एमाइड कौन सा। तो देखिए सबसे लास्ट वाला मुझे दिख रहा है, अगर फंक्शनल ग्रुप की चेक कर ले आप ढंग से, तो बच्चे फंक्शनल ग्रुप चेक नहीं करते यार, फंक्शनल ग्रुप से पहले NH2 छोड़ देते हैं कि भाई ये तो ग्रुप है, NH2 तो एरोमेटिक है, ये एमाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है और एमाइड की बेसिसिटी सबसे कम होती है, अभी मैंने लास्ट फोर्थ पॉइंट पर बताया था। ये देखो यहां नाइट्रोजन के लोन पेयर कैसे हैं आपके पास, लोन पेयर हैं वो लोकलाइज्ड है, मतलब ये तो एलिफेटिक है, वो तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये तो एलिफेटिक एमीन है बिल्कुल। बचे कौन से, ये दोनों ये वाला भी कॉन्जुगेशन में इससे भी पार्टिसिपेट करेगा, इससे भी पार्टिसिपेट कर लेगा, क्योंकि दोनों में ही रेजोनेंस हो सकता है, पीएच आपका फिनाइल ग्रुप है, और ये आपका इससे पार्टिसिपेट करेगा, प्लस CH3 आपका प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, जिससे कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी। तो ये इसके हिसाब से इसमें बेसिक ज्यादा होगा। तो देखो सबसे पहले कौन सा आता है आपका, एलिफेटिक एमीन आता है, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होने वाली, ए की। क्लियर है, अब बात करते हैं बी और सी में। बी और सी में मैंने देख लिया पीएच के दोनों में कॉन्जुगेशन जा रहे हैं, तो बी वाले की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, ज्यादा किसकी होगी, सी की। फिर इसके बाद किसकी होगी बेटा, बी की, और एमाइड की क्या होती है, सबसे लास्ट में आती है, तो ऑर्डर आ जाएगा आपके पास ये, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कभी कभी होता है कि क्वेश्चंस में बेंजाइल एमीन लिख के दे दे या फिर नाम ही लिख के देते, तो किस तरीके से इसको डील करना है, स्ट्रक्चर्स को बना के दे दिया जाए, एमाइड है एमाइड को पहचानना आना चाहिए, इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, एट्थ एग्जांपल।
ये भी एट एग्जाम्पल भी काफी ही अच्छा है इसमें कि किस तरीके से आप बेसिक स्ट्रेंथ को और चेक कर सकते हैं। नया ही एग्जाम्पल है इसके लिए, इसी से रिलेटेड है वैसे, तो ये वाला भी चेक कर लेता हूं मैं। यहां पर NH और ये दे रखा है आपको, सॉरी CH2, और यहां पर NH2 लेके चलिए। अगेन ये A हुआ आपका, दूसरा है आपके पास NHC डबल बॉन्ड O, CH3, और थर्ड है आपके पास C डबल बॉन्ड O NH2। इसको बहुत ही इजीली वे में आप कर सकते हैं, सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, तो ये आपके लिए बोनस की तरीके से काम करेगा। इसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाली है, किसकी कम होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं फिर से, वही बात है। ये कैसा है बेटा आपका, एलिफेटिक है, मुझे दिख रहा है आराम से, एलिफेटिक मींस है, ये आपको भी दिख जाना चाहिए। और ये वाला कैसा है बेटा आपका, ये एमाइड है, ये भी आपका कैसा है बेटा, ये भी एमाइड है, मतलब दो एमाइड दे दिए इस बार मैंने, ये एमाइड है। और ये भी कैसा है बेटा आपके पास, एमाइड दे रखा है, एमाइड और एमाइड दे रखे हैं, लेकिन ये 2 डिग्री एमाइड है, नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में तो जा ही रहे हैं, प्लस नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी इसके लिए और कम होती जाएगी। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू पी ज्यादा होगी कि सिर्फ कॉन्जुगेशन इस डबल बॉन्ड के साथ ही होने वाला है। क्लियर है? तो इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा आपका ए, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा बेटा आपका सी, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा बेटा आपका बी। तो ये ऑर्डर आ जाएगा इसमें, ठीक है बेटा, ये समझ में आया आपको। तो चलिए मैंने 8 एग्जाम्पल्स की बात कर ली है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है और एक तरीके से आपके लिए एक नोट भी है, मैं नोट नहीं बोलता हूं, मैं एक्चुअली मैं उसको बॉम्ब बोलता हूं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां भी लगा दो फट जाएगा, ऐसा सीन है उसके लिए, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। आप चाहे तो यानी एग्जाम्पल्स के फॉर्म में नोट कर लीजिए, मैं एग्जाम्पल्स के फॉर्म में ही लिखवा दे रहा हूं। एक स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा कंपाउंड होता है उसके बारे में बात करने वाला हूं, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा वाला है। तो 9th है आपका यूरिडाइन स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की है मैंने, यूनिडाइन स्ट्रक्चर है, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजीनियस मतलब कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एग्जांपल आपको एक सीधा कंपाउंड ही याद होना चाहिए। कंपाउंड क्या है आपका, यूनिडाइन स्ट्रक्चर को आपको देख सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये कंपेयर, हाँ जी, तीन नाइट्रोजन बना के मैंने तीन लोन पेयर चेक कर लिए। अब मैं इसको फॉर्म में बोल देता हूं, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, और भैया ये दे रखी है आपको सी। मैं आपको बताऊंगा कि इस पर एच पॉजिटिव का अटैक कराने के बाद किस पर एच पॉजिटिव जाएगा और क्यों ज्यादा स्टेबल है। पहले आप यही चेक करके बता दें कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ तीनों में ज्यादा होने वाली है, या फिर ऑर्डर लगा सकते हैं हम तीनों का। तीनों का ऑर्डर कैसे चेक कर सकते हैं बेटा, तीनों के ऑर्डर पर चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होने वाला है, ये डबल बॉन्ड है, यहां नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके साथ क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन करेंगे, तो इसके नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम, सही है। इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर भी क्या करेंगे, इसके साथ कॉन्जुगेशन करेंगे, यानी कि इसके नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी भी क्या हो गई, कम हो गई, बिल्कुल। लेकिन यहां पर क्या है, ये कैसे लोन पेयर है आपके, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है भाई, लोकलाइज्ड है, तो इसके मतलब इनसे दोनों से बेसिसिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होने वाली है। तो अगर मैं इन तीनों में ही बेसिसिटी के ऑर्डर की बात करूं, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, सबसे ज्यादा किसका आएगा, ए, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, बी, और बी और सी कैसे होंगे आपके, बराबर होने वाले हैं, क्लियर है, मतलब बी और सी की बेसिक स्ट्रेंथ बराबर है, ए की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बी और सी से एज कंपेयर टू बी और सी, सही। चलो इसको देख लेते हैं क्यों ज्यादा स्टेबल आती है या फिर क्यों ज्यादा बेसिक आती है।
तो देखो मैंने चेक किया, एक ही सबसे ज्यादा है, तो अगर मैं एच पॉजिटिव का अटैक कर रहा हूं तो वो कहां जाएगा? ऑब्वियस सी बात है वो जाएगा कहां पर? ए पर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेसिक है तो बेसिक वाला काम करेगा ना, तो ये यहां पर जाके लग जाएगा। तो जो के पास कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड, यहां नाइट्रोजन, और इस पर क्या बनेगा? NH2। इस पर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव का, यहां पर कैसा आएगा NH2, और यहां पर क्या आएगा बेटा NH2। इस स्ट्रक्चर को ढंग से देखो, आपको कुछ फील आएगा। अगर मैंने इसमें कॉन्जुगेशन करा दिया, अरे बहुत बड़ी बात है भाई, अगर ये कॉन्जुगेशन करा दिया तो क्या होने वाला है? ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NH2, डबल बॉन्ड NH2, और ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या आने वाला है NH2, और फिर से लोन पेयर, फिर से लोन पेयर। भाई ये और ये सेम है, इसका मतलब कैसा है? इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑप्टेन होने वाले हैं मुझे यहां पर, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। भाई ध्यान है ना, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका वन हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कौन सा कर दिया, चलो इक्वल डाल देता हूं, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इससे भी कॉन्जुगेशन कराते तो वो ये बनता, NH2 ऊपर होता नाइट्रोजन का, फिर यहां पर NH2 होता, ये डबल बॉन्ड इसके साथ लग जाता, और ये NH2 और इस पर कैसे चार्ज आता पॉजिटिव का, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया? थर्ड हो गया। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलने वाले बेटा? तीन, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ऑप्टेन होंगे, थ्री इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑप्टेन। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीन इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑप्टेन होते हैं, इसीलिए ये कैसा होता है? मोस्ट बेसिक नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, यूनिडाइन है या फिर यूनिडाइन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। कार्बन से तीन नाइट्रोजन लगे हुए हैं, मेंस में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है, ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन बना सकते हैं, तो उसको याद रखना है किस तरीके से आपको चेक करना है। एच पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? जहां पर बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो, ये भी एक तरीके का क्वेश्चन ही है, तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब लास्ट एक और एग्जांपल है, या फिर आप फिर से वही कहें, एक बॉम्ब है, ये बहुत बड़ा बॉम्ब है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हर साल मेंस में या एडवांस में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन उठ सकता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, और रटने वाले के तरीके से कहें कि रटने वाले की फॉर्म में आता है, तो उसको रटा भी जा सकता है। तो उसकी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से, लास्ट एग्जांपल है ये, किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। टेंथ एग्जांपल देखिए, वैसे तो ये एक्सेप्शंस के फॉर्म में काम करता है, फिर भी मैं इसको एग्जांपल्स के फॉर्म में ही लेके चल रहा हूं। अमोनिया के डेरिवेटिव्स की बात की है, नाइट्रोजन यानी कि ये 3 डिग्री अमीन, या फिर R, फिर यहाँ पर R, ये आपका कैसा दे रखा है बेटा? मैंने ये 3 डिग्री अमाइन बनाया हुआ है यहाँ पर, ये आपका नाइट्रोजन, फिर से लोन पेयर, और ये R, ये 2 डिग्री अमाइन बनाया है हमने, ये R, और यहां पर ये दे रखा है बेटा क्या NH2, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, और लास्ट में ले लेते हैं हम ऐसे, मतलब कि मुझे बेसिसिटी कंपेयर करनी है इन चारों में कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा थी। बहुत ही सिंपल है, कुछ चीजें आपको पता है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं, वो मैं बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ध्यान रखिएगा। इसको नोट नहीं, बॉम्ब लिखिएगा, ये बॉम्ब है आपके लिए, ध्यान रखना इसका बॉम्ब फट जाता है कभी कभी, तो ये बात ध्यान रखें इसको। चलिए अगर मैं बात करूं, ये आपको दे रखे हैं, अगर हम इसको इन गैसियस फेज में बात करें तो बच्चों, गैसियस फेज में जब हम इसकी बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, कुछ और होता नहीं, गैस का मतलब ये गैस है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और अमोनिया गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर देखें तो मुझे पता है इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इनका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इनका प्लस, तीन का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसका दो का, इसमें एक में प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये सब क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। ये मैं भी पीछे देखा था इफेक्ट्स के बारे में, बेसिक स्ट्रेंथ उस पर कितनी ही होगी, ज्यादा आने वाली है। बट गैसियस फेज में ऑर्डर कुछ है, उसके बाद एक्वस फेज में ऑर्डर कुछ और आता है, वो चेक कर लेते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो गैसियस फेज में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो जो ऑर्डर आता है वो आता है आपका 3 डिग्री अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री अमाइन, और फिर आता है आपका अमोनिया। ध्यान रखें, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं इस पर, ये ठीक है। अगर मैं इसको
सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दो बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व कर दो, इसका मतलब इसको पानी में डिजोल्व कर दीजिए और R की जगह पर, मतलब कि R की जगह पर आप रख दीजिए क्या बेटा, CH3 मिथाइल ग्रुप को ले लीजिए, ठीक है, R की जगह मिथाइल ग्रुप को ले लीजिए, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका कैसे है, मिथाइल रखा है मैंने, ध्यान रखें मेंस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस का, 3 डिग्री पीछे घूमेगा, तो 3 डिग्री के लिए जो ऑर्डर आता है दिस विल बी 213, मतलब कि 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री, उसके बाद आएगा आपका लास्ट अमोनिया। अमोनिया को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है ऐसे, बट इतना ही काफी है कि 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। बट अगर मैं आर ग्रुप को एक्वा सॉल्यूशन की ही बात कर रहा हूं बेटा, फिर भी आर को मैं क्या रख दूं, ईटी रख दूं, तो जो ऑर्डर आएगा 3 को उठा के फिर आप बीच में रख दीजिए, अब जो ऑर्डर आने वाला है वो होता है 2 डिग्री फिर 3 डिग्री और फिर आता है लास्ट में 1 डिग्री, तो ये 231 ऑर्डर आता है। इसका रीजन है दिस इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट इसका एक रीजन है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखें ये भी एक क्वेश्चन है कि इसमें ये इफेक्ट क्यों आता है, तो ध्यान रखें इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी ये चीज हो सकती है, क्लियर है। तो चलिए बच्चों फिर से मैं याद करने का एक ट्रिक बता देता हूं, इसमें याद करने की ट्रिक जिसमें किस तरीके से 3 को उठाइए, 3 को सबसे पहले उठा के पीछे रखो और 3 को एक बार उठा के इनके बीच में, मतलब 3 को घुमा रहा हूं मैं, 3 2 1 तो जनरल ऑर्डर है, 3 को उठा के पीछे लेके गया तो 213 बन जाएगा, 3 को उठा के बीच में लेके आया तो 231 हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है याद करने के लिए भी, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मेंस में क्वेश्चन इससे आता ही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कराएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चेक करेंगे आपका ऑर्थो इफेक्ट के बारे में, बाकी आप जितना जो भी है आपके डाउट्स वगैरह हैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, अपना जो भी रिव्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे या फिर जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे उसके लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।